राइट, सो वी आर स्टार्टिंग विद कैलोरी मीटरी टुडे। अभी कैलोरी मीटरी क्या टर्म है, इसका मतलब क्या है, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, मैं आपको ना पहले फंडामेंटल समझाता हूँ, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम चीज एक होती है जिसमें बोलते हैं कि हायर टेम्परेचर सिस्टम से हमेशा लोअर टेम्परेचर सिस्टम की तरफ हीट ट्रैवल करती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, और तब तक ट्रैवल करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, वी कॉल दिस एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी तक हम लोग, आपको याद होगा, हम लोगों ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम टर्म जरूर आई है। कभी वो रोटेशन की इक्विलिब्रियम है, तो कभी फोर्स की इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम टर्म जरूर आई है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना इधर लग रहा है उतना इधर भी लग रहा है, जितना ऐसे रोटेट हो रहा है उतना ऐसे भी रोटेट हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम, करेक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं एक आइस कोल्ड वाटर उसका गिलास एक जगह पे रख दूं और एक गर्म कॉफी का गिलास एक जगह पे रख दूं और छोड़ दूं, थोड़ी देर बाद देखूंगा कि कॉफी का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, क्योंकि वो पहले मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब मैं रख दूंगा, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिकली वो भी 30-32 के आसपास पहुंच जाएगा। एक्चुअली थोड़ा कम ही होता है, बट ठीक है, चलो मैं 30 बोल देता हूँ, 30 तक वो भी पहुंच जाएगा। सेम विद गोज विद दिस, पानी मान लीजिए बहुत ठंडा आइस कोल्ड वाटर था, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस पे था या 3 डिग्री सेल्सियस पे था, तो आप उसको रख भी देंगे, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, ये भी 30 पे आ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। एक जगह से हीट दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है, ठीक है, और तब तक करते जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। कूल, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा। तो कैलोरी मीटरी क्या होता है सर? तो कैलोरी मीटरी होता है जी, इसके अंदर दो तरह के टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहला आता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास, of 1 kg mass of substance by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of substance by 1 degree Celsius. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अगर स्पेसिफाई करूं तो इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Here Q is heat required, M is amount of mass, and delta T is change in temperature. तो C का मतलब क्या हुआ, Q upon M delta T, करेक्ट है। अब जरा डेफिनेशन देखिए, समझ आएगा। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि अच्छा ठीक है सर, ये तो समझा दिया आपने, लिखवा दिया हमने, पढ़ लिया, जितने ICSE वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये पहले 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन ऑल इन ऑल इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑल इन ऑल इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैं इस कोस्टर को लेता हूं और इस कोस्टर को गर्म करने की कोशिश करता हूँ, नीचे लाइटर से आग लगाता हूँ, ठीक है। अभी जो कोस्टर है वो 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ, कितनी देर तक मैं लाइटर को प्लेस रखू, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि ये मास ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस से अपने टेम्परेचर को रेस कर दे। इन शॉर्ट, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो आपने कभी किताबों या एग्जाम पेपर में नहीं लिखना है तो आप वैसे लिख दीजिए, इन सिंपलर वर्ड्स
टू चेंज टू राइज द टेम्परेचर टू एक्चुअली राइज मत बोलते हैं चेंज ही बोलते हैं टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ठीक है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट तो जहां पर भी विदाउट चेंजिंग द स्टेट आप सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं वहां पे हमेशा आप क्या यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट ठीक है इसको अपनी भाषा में दोबारा लिख सकते हैं आप नीचे लिख दीजिए कि जहां पर भी वेयर एवर इन द प्रॉब्लम वी जस्ट नीड द चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस वील ऑलवेज यूज स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट इस बात का समझ आया मैं क्या बोला एवरीवन जहां पर स्टेट चेंज नहीं करनी है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो बढ़ाने या घटाने में उसमें हमेशा सी की वैल्यू यूज होती है एम आई क्लियर विद दिस ठीक है सी स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं कुछ वैल्यूज आप याद रखेंगे तो दोस्तों अच्छे रहोगे जैसे कि स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट ऑफ वॉटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन तो दैट डजंट मैटर वो सेम ही रहता है कैलोरीज मतलब बेसिकली सीजीएस सिस्टम आ गया आपको याद होगा डे 1 थर्मोमीटरी में मैंने यही चीज बताई थी कभी भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज 1 कैलोरी 1 कैलोरी पानी के लिए 1 कैलोरी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस कूल है बेटा समझ आया ये आगे बात और किसके 2-3 वैल्यूज आपको याद रख लेंगे तो अच्छा रहेंगे जैसे स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट ऑफ आइस होता है 0.5 और स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट ऑफ स्टीम होता है अगेन 0.5 राइट तो ये वैल्यूज मिल गई हमारे को ये वैल्यूज याद रखेंगे अच्छी बात है क्योंकि दोनों बहुत इजी है याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है 1.5 याद रखा है पानी की तीनों स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट देख रहे हैं जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है ठीक है लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए कूल है बेटा आगे बढ़े ठीक है अच्छा कई क्वेश्चंस में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ना देते हुए सिर्फ हीट कैपेसिटी दे देते हैं ठीक है हीट कैपेसिटी जनरली एस लेटर एस से डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी का मतलब होता है मास और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का मल्टीप्लायर मास और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के मल्टीप्लायर को हम लोग हीट कैपेसिटी बुलाते हैं तो हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा इसका मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ देखो पहली बात ये समझ लो Q is equal to क्या होता है MC delta T MC की जगह क्या लिख सकते हो S delta T तो S क्या हो जाएगा तो SI यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन हाँ जी ठीक है जी हीट कैपेसिटी कई बार क्वेश्चंस में आता है जब आप क्वेश्चंस में भी आपको आज कराऊंगा तो आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या फैक्टर है ठीक है स्टिल अगर अंडरस्टैंडिंग में अगर आपको मेरी डेफिनेशन से 20% भी बात समझ में आ रही है तो वो इनफ है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आफ्टर वन मोर कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपको याद ही हो जाएगा आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ये चीज अपने दिमाग में इनकलकेट मैं करा दूंगा अभी आपके सॉरी ठीक है बढ़े आगे लेटेंट हीट कैपेसिटी कैपिटल एल से डिफाइन होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी बोलती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
the amount of heat required to change the state of substance without change in temperature. ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चा? एक काम समझो, मेरी बात समझो। अब मान लो मैंने एक आइस क्यूब टेबल पे रख दिया। अब आप जानते हो आइस क्यूब पिघलेगा, ठीक है। अब अगर आइस क्यूब पिघला, देखो अगर मान लीजिए मैं एक पहला आइस क्यूब मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये आइस क्यूब है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यही आइस क्यूब ऐसा कुछ दिखेगा, और यहां पे थोड़ा सा पानी आने लग जाएगा, थोड़े से पानी के ड्रॉपलेट्स इधर भी होंगे, है ना, ऐसा कुछ होगा। अब यहां पर समझो, ये जो पानी है, ये पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस क्यूब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। आप समझते हो ना, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी ना, कुछ तो गर्मी चाहिए होगी, तभी अपना स्टेट तोड़ेगा, ठीक है। तो जब वो स्टेट चेंज करते हैं तब आपको कुछ ना कुछ हीट एडिशनल देनी पड़ती है। वो हीट टेम्परेचर में चेंज नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। इन इस लेटेंट हीट के दो और फर्दर डिविजन होते हैं, जैसे कि एक टर्म होती है LF, known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion कहां लगता है? जहां पे आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन करते हो, इसको बुलाते हैं हम latent heat of fusion, ठीक है। एक होता है LV, that is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization क्या होगा? जब आप लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड बना रहे हैं, उस सिनेरियो में हम लोग यूज करते हैं latent heat of vaporization, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं एग्जाम्पल देके छोड़ देता हूं। Latent heat of fusion of water is 80 कैलोरीज पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। अगेन ये नंबर्स काफी बार दिए होते हैं, लेकिन अगर नहीं दिए हुए हैं तो आप लोगों को याद भी होने चाहिए, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कभी भी आइस वाटर में या वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 80 कैलोरीज पर ग्राम वाला टर्म यूज करेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग देखें लिक्विड मतलब वाटर स्टीम में या स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है? 540 कैलोरीज पर ग्राम। हाँ जी, कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, ठीक है। मैं इन सब थॉट्स को एक लाइन में दोबारा रिपीट करूंगा, मैं फटाफट बताता हूं, ठीक है। अभी तक हम ये सीखे कि अगर सॉलिड लिक्विड में टर्न अप होता है
या लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट अप होती है, लिक्विड गैसियस स्टेट में जाता है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इस टर्म में हमेशा हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, लेटेंट हीट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आइस -10 से जीरो पे जाती है, या वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, या स्टीम 110 डिग्री से 150 डिग्री पे जाती है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस सिनेरियो में हम हमेशा यूज करेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बात समझ आई है? अब इसी को मैं चाहूं तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं। लेट्स से अब इस पूरे फैक्टर को मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कोई बात नहीं की है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली लेटेंट हीट कहां यूज करना है और स्पेसिफिक हीट कहां यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक मैं सिर्फ इतना ही समझा रहा हूं, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं और आपको समझाता हूं। मान लीजिए इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जरा ढंग से सुनिएगा और अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है एन आइस क्यूब ऑफ मास 100 ग्राम्स इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट this cube of ice into steam. At 100 degree Celsius. ठीक है, अब आप देखो आज आप लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एक आइस क्यूब है जो 100 ग्राम का है और -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए ढंग से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला Q1, पहला काम क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री तक। बिल्कुल सही बात है, आइस -10 से आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, पहला स्टेप। तो मतलब क्या करूंगा मैं, देखो बच्चा, m स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आइस की, सॉरी स्टीम बोल रहा हूं, आइस कितना था 0.5 एंड डेल्टा टी आ गया 10, तो कितना आ जाएगा 500 कैलोरीज। Q2 क्या करेंगे फिर, अब क्या हुआ, अब 10 डिग्री -10 से 0 तक तो आ गया, अब आइस 0 डिग्री से पानी 0 डिग्री में कन्वर्जन होगा, मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, MLF, मतलब क्या हो जाएगा 100 ग्राम्स इनटू आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 80 कैलोरीज पर ग्राम की जरूरत है, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोले बेटा, 8000 कैलोरीज, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, पानी मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैं क्या करूंगा, पानी को कन्वर्ट करूंगा 0 से 100 तक, करेक्ट। तो मेरा क्या काम होगा, Q3 लगाऊंगा और मैं वाटर को कन्वर्ट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप अच्छे से बेटा देखते जाइए, जब जब सिर्फ हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हम लगाते हैं MC delta T, मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम, है ना, और इनटू टेम्परेचर चेंज कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 10,000 कैलोरी। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, Q4, अब पानी 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा दोस्तों, MLV, तो 100 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540,
The answer comes up as 54,000 calories. इसका मतलब सबसे ज्यादा काम का करना पड़ रहा है जब हम लोग पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, बहुत काम करना पड़ता है. तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी है, सबको ऐड कर दो, काम हो जाएगा. ठीक है, तो 500 तो आया ही है, 18,000 इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है -10 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम ऑफ आइस को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. मुझे टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है वो है 72,500 कैलोरीज. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. अगर आप जूल्स में निकालना चाहते हैं इस चीज को 4.2 से मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर. समझ आया कि नहीं? वेरी गुड. सर फर्स्ट वाले में 10 की जगह -10 क्यों नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा, चेंज है. चेंज कैन नेवर बी नेगेटिव, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव. है ना, ग्रो हो रहा तब भी चेंज पॉजिटिव है. डेल्टा टी इज ऑलवेज लाइक ऐसा ही रहता है. चेंज इन टेम्परेचर आया, चेंज कितना है 10 डिग्री का. फाइनल टेम्परेचर कितना है 0. चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. माइनस ऑफ -10, चेंज कितना है 10 का. समझ गया? हाँ सर. ठीक है डन जी. कूल, आई होप समझ आ गया सबको यहां तक. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल चीजें देखते हैं. तो ये बात समझ में आ गई. अब ये तो आप कभी भी कर सकते हो क्वेश्चन. कितना आसान क्वेश्चन है, देखो. है ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ देखना है कहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा देना है. जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगा के क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व. ठीक है, प्रॉब्लम इसके ऊपर ऐसे आती ही नहीं. प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी घुमा के. स्कूल लेवल एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं. इसी के अंदर थोड़े से स्टेटमेंट चेंज कर करके वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कॉम्पिटेटिव में रहे, कई बार स्कूल में भी पूछ लेते हैं. कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए मैंने 10 ग्राम आइस एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर प्लेस कर लिया. ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो फिर वो मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर रुकेगा, तो वो कितना होगा? ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, है ना. तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को भैया हम सॉल्व करते हैं. आओ सॉल्व करें, मैं आपको एक फंडामेंटल सिखाता हूं अब. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. दिस इज इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं तो यही मानता हूं ये है अवेलेबल एनर्जी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट. कितना टोटल अवेलेबल एनर्जी है उसके ऊपर बात होगी. ठीक है, अब यहां पर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा और मैं विद नंबर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कंपेयर करता रहूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. वो एग्जाम्पल कहता है कि एक 100 ग्राम ऑफ आइस है, 100 of ice, gram of ice at -10 degrees Celsius, ठीक है, is submerged in, submerged ना लिखे, is poured in water, ठीक है, और is put in water in water ना लिखे, इसको हम लिखते हैं in 500 gram of water, let's say. In 500 gram of water at 80 degrees Celsius,
ठीक है, अब वो पूछेगा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वॉटर, ठीक है, ये क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा और मैं क्वेश्चन से ही आपको सेकंड पार्ट भी ऐसी का ऐसे बनाऊंगा, सिर्फ मैं आइस का अमाउंट चेंज कर दूंगा, 100 ग्राम की जगह 300 ग्राम ले लूंगा या 250 ग्राम ले लूंगा। अभी मैं फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सर जी। यार सर वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन। बच्चा एक आई टेल यू, 100 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है, मान लें ये ग्लास ऑफ वॉटर है, ये पानी राइट नाउ 80 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 500 ग्राम है। इस पानी के अंदर मैंने 100 ग्राम ऑफ आइस डाली जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं जानना चाहता हूं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, हायर टेम्परेचर चीज अपनी एनर्जी को लोअर टेम्परेचर चीज को देगा, उसको मेल्ट करेगा और उसको वहां तक लेकर आएगा जब तक वो दोनों बराबर टेम्परेचर में नहीं आ जाते। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब वो मेल्ट हो जाए या अगर पूरा मेल्ट नहीं हुआ तो कितना आइस रह जाएगा और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड वॉटर मिक्सचर कितने पे आके रुकेगा, मैं वो जानना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द सिंपलेस्ट ट्रिक इज हम लोग निकालेंगे अवेलेबल एनर्जी। अब ये अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी है कि कौन हीट देने वाला है, सोर्स कौन है। सोर्स हमेशा होगा हायर टेम्परेचर बॉडी, सोर्स कौन होगा हायर टेम्परेचर बॉडी। तो मैक्सिमम अवेलेबल, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी निकाल लो। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, क्यू मैक्स निकाल लेता हूं मैं, मैक्सिमम ये हो सकता है कि पूरा 500 ग्राम ऑफ वॉटर है ना, 500 ग्राम ऑफ वॉटर पूरा 80 डिग्री से 0 डिग्री तक चला जाए। एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि आइस को पिघलाने के चक्कर में पानी अपने आप को ठंडा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, कहां तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री तक। आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पानी के अंदर जितनी मर्जी बर्फ डाल लूं एंड में बर्फ बच जाएगी जो डाली थी, लेकिन आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा। करेक्ट है बेटा, है ना, बर्फ के गोले खाने जाते हो देखते नहीं हो, है ना, बर्फ का गोला खाने जाओगे तो उसने बर्फ का गोला तो बना दिया, डाल दिया कप में, अब ऊपर से एक कलर डाल देगा, अब वो कलर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कलर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बर्फ है वो, बर्फ का अपना टेम्परेचर है, वो क्या करेगा जितना पानी पिघलता जा रहा है उसको मेंटेन करेगा जीरो पे। Now that's the basic science which is happening. What is happening over there? ठीक है, starting में color डालते हैं, आपने देखा होगा थोड़ी सी ice से melt हो जाती है। वो reason क्या है? वो heat transfer हो रहा है। एक body higher temperature body अपने temperature को lose कर रहा है। Lose हमेशा high temperature body करेगी। Example देता हूँ, मैं example से समझाऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी मदर ने या फादर ने बोला या आपके किसी सिबलिंग ने बोला कि मेरे लिए अंडे उबाले, या तुम्हारा खुद का दिल है, तुम गए तुमने अंडे उबाले, एग बॉईल किया, एग बॉईल करोगे, तुमने 7-8 मिनट पानी को मतलब अंडों को रखा पानी के अंदर, बॉईल होने दिया, तुमने निकाला, अब निकालने के बाद थोड़ी देर ऐसे रख देते हैं उसको कि बहुत गर्म होगा, मतलब उसको छीलना इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट राइट अवे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वेट करते हैं और फिर करते हैं। मम्मी से पूछो आज कि मम्मी अगर मैं स्कूल जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ और आपने आज मेरे को बॉइल्ड एग देने हैं, तो आप क्या करते हो, तो एकदम निकालने के बाद सुबह इतना उसको कैसे खोल लेते हो, हाथ में नहीं लगता। व्हाट व्हाट मॉम डू, व्हाट योर मदर डू, व्हाट योर मदर डू इज आई टेल यू, शी विल डू दिस वे कि अपने हाथ में अंडा रखेंगे, बेसिन पे जाएंगे, पानी चलाएंगे और अपना हाथ नीचे रख देंगे, ठीक है, तो अंडे को बस वो घुमाते जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, उसके बाद वो हो गया, उसके खोलो, फटच फटच हो गया, भैया खाओ अंडे, कोई टेंशन नहीं है, गर्म नहीं लगेगा। तो हुआ क्या वहां पे, व्हाट इज द साइंस हैपनिंग डाउन देयर, अंडा जो है वो हायर टेम्परेचर पे है, जो पानी ऊपर से फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही वो सरफेस पे जाके हिट करता है शेल के, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। आप कभी ट्राई करके देखना, अगर पानी थोड़ा स्लो चलाना, ठीक है, पानी स्लो चला के आप एक कोशिश करिएगा कि पानी ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर में फर्क देख सकते हैं, या किसी भी अपने 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 दोस्त को या अपने सिबलिंग को बोलना कि काम करो, आप ऊपर पानी को टच करो और नीचे जो गिर रहा है उसको पानी को थोड़ा सा टच करो, क्या आपको थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस दिख रहा है,
वो बोलेंगे हाँ नीचे वाला टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली हाई है. रीजन क्या है कि वो जो पानी उसके ऊपर से गुजर के जा रहा है वो उसकी हीट लेकर आ रहा है. तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है. ठीक है, एक्सट्रीम क्या हो सकता है उस सिनेरियो में, 2 मिनट तक नलके के नीचे रखो अंडे को, एंड में आपको क्या फील होगा, जितना पानी का टेम्परेचर है ना उस टेम्परेचर पे अंडे का शेल हो जाएगा. ठीक है, इतना ठंडा हो सकता है. दैट इज द मैक्सिमम थिंग विच कैन हैपन, मैक्सिमम पॉसिबल केस वहीं तक आ सकता है. ठीक है, बात समझ में आई है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, नहीं तो आप वो भी कर सकते हो ना, एक पतीले के अंदर पानी भरा हुआ तो पतीले के अंदर अंडा फेंक दो, डुबा के रखो अपना, ठीक हो जाएगा, है ना, फेंको वो नीचे चला जाएगा खुद ही, क्योंकि डेंस ज्यादा हो चुका है, इतनी बायंट नहीं रहेगा. बायंसी तब तक है जब तक आप अंडे को बॉयल नहीं कर रहे, बॉयल करने के बाद डूब जाता है ना. ये भी इधर देखो टेक्निक्स है लाइफ, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं. बायंसी का पूरा इम्पैक्ट समझ आता है, जब तक हॉलो है तब तक ठीक है, एयर नहीं रहेगी तो वो शेल फिल्ड अप हो चुके हैं, तो इट्स टफ टू कीप इट फ्लोटिंग. ठीक है, लॉट ऑफ थिंग कम्स अप, एनी हाउ आई एम नॉट डीलिंग विद दैट नाउ. तो अब यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है ना, बर्फ डाली, मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है, वो पानी 80 डिग्री सेल्सियस से जीरो तक चला जाए, बर्फ नहीं बन सकता. ठीक है, तो मैक्सिमम कॉस्टल क्या हो गया, करो मल्टीप्लाई 40 एंड 3 zeros, सो 40,000 कैलोरीज इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विद वाटर व्हिच इज एट 80 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सेकंड निकालते हैं हम रिक्वायर्ड एनर्जी. हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आइस को पानी में कन्वर्ट कर दो, बस खत्म, हमारे को नहीं चाहिए कुछ. हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आइस को पानी के अंदर कन्वर्ट कर दो. मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि 100 ग्राम पानी को, आई डू दिस वे, पहली मेरी रिक्वायरमेंट है एम सी ऑफ आइस डेल्टा टी, प्लस दूसरी रिक्वायरमेंट है इसको कन्वर्ट कर दो आइस से वाटर में. मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम आइस को, सॉरी एट 0.5, एंड डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर को आइस को, सॉरी पानी में कन्वर्ट कर दो, तो 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी आई, 500 प्लस 8000, सो द मिनिमम रिक्वायर्ड इज 8500 कैलोरीज. ठीक है, बात समझ में आया क्या हुआ. लेकिन अवेलेबल एनर्जी कितनी है मैक्सिमम, 40,000 जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 8500. तो हेंस अब क्या होगा, तो सर अब इसमें इसका मतलब है कि पानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आके रुकेगा, पानी मिनिमम क्या होगा, अब कोई टेम्परेचर में जीरो तक नहीं जाएगा. अब क्या होगा, जो अवेलेबल एनर्जी है ना वो इतनी जरूरत नहीं है, ये 80 माइनस जीरो तक नहीं, टी तक जाएगा, और ये जो आइस पिघली है ये भी पानी टेम्परेचर टी तक पहुंचेगा, क्योंकि सब कुछ एंड में इक्विलिब्रियम में आना चाहिए. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब आपके पास कभी भी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी इज मोर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा स्टेप होता है जो भी अवेलेबल एनर्जी है उसको हम लिखेंगे 500 इंटू 1 इंटू 80 से 0 तक नहीं लेके जाएंगे, टी तक ले जाएंगे, इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है 8500 प्लस वो 100 ग्राम ऑफ वाटर 0 से टी तक जाएगा. ठीक है, ये स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने, अगर आपको पिछला समझ आया तो आपको ये स्टेप समझ आएगा कि टी टेम्परेचर तक जाकर रुक रहा है, अब पानी जीरो तक नहीं जाएगा, वो टी तक आकर रुक जाएगा, और वो आइस को पिघला के भी टी तक ले आएगा. अब देखो आपको पूरा समझ आएगा क्या कर रहा हूं, ये अवेलेबल सोर्स है, इसने एक तो उसका 8500 खत्म किया रिक्वायर्ड एनर्जी को, प्लस उसी पानी को टेम्परेचर टी तक ले आया. करो जरा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 40,000
इधर है, इधर माइनस कर दे। ये कितना आएगा? 52 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा। कितना आएगा? 12 है ना, 30 होता है, 52.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 52.5 डिग्री सेल्सियस तक आकर रुक जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक और भाषा से समझा सकता हूं मैं। रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ? ये वो है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये वैसे वही जैसे सेल्फिश फ्रेंड पढ़ाया था ना, वैसे ये फ्रेंड भी पढ़ाता हूँ। ये फ्रेंड बहुत दयालु आदमी है, बहुत काइंड फ्रेंड। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम पैसे हैं 40,000 रुपए। तुम्हारे ऊपर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट तुम्हारी कितनी है? इतनी, इतने का तुम्हारे ऊपर उधार है, 8,500 का उधार है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अरे यार दोस्त कोई बात नहीं यार, चिंता नहीं करनी। तो पहले तो मैं 40,000 में से उसको 8,500 देता हूं और कहता हूं तो अपना लोन खत्म कर दे। खत्म हो गया। अब इस बंदे के पास, बेचारे के पास कितने पैसे रह गए? 31,500 रुपीज रह गए, है ना। मेरे पास 40,000 रुपए थे, तुम्हारा तुमने किसी से उधार लिया हुआ था 8,500, तुमने बोला यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैंने तुम्हें 8,500 दिया। मैंने कहा पहले उसका लोन खत्म कर दूं, अब स्ट्रेस नहीं लेना। अब क्या है, अब तुम भी और मैं भी एक ही कश्ती में सवार है, लेकिन तुम्हारे पास 0 रुपीज है और मेरे पास अभी भी 31,500। तो मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैंने क्या करना है, मैंने पैसे अमाउंट चेंज करने हैं और मैंने इतने पैसे देने कि तुम्हारे और मेरे पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी बचे। तो मैंने क्या किया, ये देखो 500 मैं था, 100 तुम थे, दोनों ऐड हो गए और हम दोनों टेम्परेचर टी तक अपना काम करेंगे और वो टी कॉमन टॉपिक 52.5 है। ठीक है, इसको वैसे नहीं समझना, ऐसे समझ लो। मैंने 3-4 तरीके समझाया, आई होप समझ आया क्या कह रहा हूं मैं। लॉजिक तो लगा पा रहे हो एवरीवन? लॉजिक लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा एक बात क्लियर अपने अपने दिमाग में घुसा लो। मैंने क्या किया है, मैंने अवेलेबल एनर्जी निकाली, मेरे को पता था कितनी अवेलेबल एनर्जी है। फिर मैंने ये बोला कि ठीक है, अगर इतनी अवेलेबल एनर्जी है तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, मिनिमम रिक्वायर्ड, मैक्सिमम अवेलेबल और मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी निकाली। अगर मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है तो व्हाट आई डू इज, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ठीक है भाई, इसका मतलब है मेरे को टेम्परेचर 0 तक नहीं, टेम्परेचर टी तक आगे रुकना है और बाकी सारी इक्वेशन वैसी काम करती है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? कूल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई एम मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा हो जाए, अब आपको क्वेश्चन सब ठीक है, ये तो पता सही है, अब आपका सर 40,000 रुपए, मेरे को चाहिए 50,000, फिर क्या कर लोगे, क्या उखाड़ दोगे? तो बताता हूँ मैं क्या उखाड़ सकता हूँ। ठीक है, आई विल टेल यू। आगे बढ़ू, एवरीवन लिख लिया यहाँ तक? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस है सब सेम कंडीशन, बस अब जो बर्फ है वो मान लेते हैं हम, है मिनट, आई डू अ थिंग, लेट्स से छोड़ो ना, इतना परेशान क्यों ना। 500 ग्राम ऑफ आइस है, इन 500 ग्राम ऑफ वॉटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, सेम क्वेश्चन दिया। ठीक है, फाइंड द मिक्सचर का क्या फंडामेंटल बन रहा है, अब क्या करें? ठीक है, अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अवेलेबल एनर्जी कितनी है दोस्तों? 500 into 1 into 80, मैक्सिमम तो जीरो तक ही आ सकता हूं,
ठीक है, तो कितना है मेरे पास भैया, 40,000 है, ठीक है। रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है मिनिमम, पहला काम क्या करेगा, देखो बिफोर मेल्टिंग एनी आइस सबसे पहला काम क्या होगा, वो पहले तो -10 से 0 तक लेकर आएगा, पहले तो पूरी आइस -10 तक 0 तक तो आएगी ही आएगी, है ना। तो 500 × 0.5 × 10, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2500 कैलोरीज, है ना। रिक्वायर्ड एनर्जी में भी एक पार्ट ऑफ एनर्जी ये है, ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी में टोटल क्या लगेगा ये हम लोग Q1 लिख लेते हैं, और Q2 कितना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, पूरी 500 ग्राम ऑफ आइस अगर पानी में कन्वर्ट होगी तो कितना चाहिए मेरे को, 40,000 कैलोरीज आ गई। तो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है बेटा, दिस इज 42,500 कैलोरीज। बात समझ आया क्या किया मैंने, एवरीवन ओके विद दिस, यहां तक तो हम लोगों ने पिछले में भी किया था, तो अब सर फर्क क्या पड़ा, ओहो अब तुम्हारा उधार कितना है भाई, 42,500, 42,500 कैलोरीज यू नीड टू कन्वर्ट द एंटायर आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विद मी इज 40,000, नाउ आई हैव 40,000 हियर, आई कांट हेल्प यू, मैं क्या कर सकता हूं सर, सर आई हेल्प, आई विल गिव यू एवरी बिट ऑफ इट, I'll say I have got 40,000. You take 40,000 and do whatever you want to do. Right? So first thing, what you're gonna do is, तुम्हारे पर दो उधार हैं. एक उधार है ये. तो सबसे पहले कौन सा उधार होगी? ये वाला ना. ये दे दोगे भाई? पहले तो हमें सबसे पहला step क्या करना है? पहले हम लोगों ने ice को -10 से 0 तक लेके आना है. वो तो करना ही पड़ेगा यार. ठीक है? तो पहले मैंने क्या किया? 40,000 में से 2,500 माइनस कर दिया, ये कितना बच गया, ये मिल गया हमारे पास 37,500 कैलोरीज, ये अब अवेलेबल एनर्जी है। उसके बाद देखो, क्योंकि मैंने एक तो निकाल दिया, 40,000 था ना, 40,000 ने 2,500 निकाल दिया, अब क्या रह गया, इतना रह गया, अब इतने में पूरी आइस मेल्ट नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्ट पेमेंट करूंगा, मैं कहूंगा तो 37,500 रख, बाकी देखेंगे बाद में। सही बात है ना, कॉमन सेंस सही लगाई मैंने, है ना। अगर मैं देखो कॉमन सेंस वैसे लगाओ, उधार वाला केस ही लेके चलो, मेरे पास 40,000 आए हैं, मेरे पास उधार 42,500 का है। अगर तुम जैसे तुम पहले मेरे को एक दो जनों के एक्सप्रेशन दिखे कि सर आपने 40,000 क्यों नहीं दे दिए पहले, खत्म करो 40,000, एक बंदे खत्म करते वो 2,500 वाला मेरा सिर खा जाता, क्या आपने उसका उधार उतार दिया, मेरा क्यों नहीं उतार रहे सर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका 2,500 उतार के खत्म कर दिया। अब दूसरे का उधार 40,000 का है, 40,000 में से मैं थोड़ा कम दूंगा चलेगा ना उसको ये तो होगा ना कि मैक्सिमम पैसा तो दे दिया ना, थोड़ा सा 2,500 रह गया, ठीक है दे देगा यार, जहां उसने 37,500 दे दिया तो वो 2,500 भी दे ही देगा। तो मैंने दोनों बंदे खुश कर दिए ना, इसको ऐसे समझना, ऐसे समझ लो। अगर आप टेक्निकली जाना चाहते हैं तो सिंपल बात है, 40,000 अवेलेबल हीट है, अवेलेबल एनर्जी है, उसमें से ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टू ब्रिंग आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस विल कम अप देन व्हेन आई हैव टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। सो व्हाट इज द अवेलेबल एनर्जी, दिस मच। सो कितना मास ऑफ आइस इसमें मेल्ट होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालूंगा m इनटू 80, इसको उधर ले आओ, m कितना आ जाएगा, 3750 upon 8, let's strike it out, क्या मिलेगा, 8 4s 32 है तो 5 आ गएगा, 55 मतलब 648 में से 55 मतलब 55 में से 48 निकालो, 770 आ गया, 70 मतलब आ गया 8, 468 आ गया, ठीक है ये 70 था और मेरा आएगा 64, 6 रह गया, तो 60 मतलब आया 75, तो मतलब 468.75 grams of ice will melt, hence मेरे पास फाइनली क्या रह गया, मेरे पास 400 and 468 मतलब 968.75 grams of water है,
एंड 31.25 ग्राम्स ऑफ आइस है बोथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. सही है, मेरे को फाइनल कंडीशन में सब कुछ पता लग गया. मुझे ये भी पता लग गया मैंने कितनी आइस को मेल्ट किया, मुझे ये भी पता लग गया और कि कितना पानी बचा मेरे पास. हाँ जी, समझ आया बेटा? एवरीवन गॉट दिस? ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लेंगे एवरीवन. ठीक है, आगे बढ़े फिर. Let's move ahead and questions करते हैं. Cool. Let's write it down. So question goes like this: A waterfall is 50 meter high and continuously water is falling at the rate of 2 kg per second. If specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius, find the rise in temperature. Of water at the bottom of the fall. Right. क्या करेंगे जरा सोच लीजिए. Then I'll talk about it. Exactly क्या है ये. क्वेश्चन में इतना कुछ दे दिया ना डेटा, 2 kg per second, 50 meter high, सब पता नहीं क्या पूछ लिया आपने, है ना? तो पता ही नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो क्या पढ़ाते रहते हो आप? तो सिंपल बात है, मैं करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ नहीं सोच रहा मैं भाई. जो भी पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहा था, ठीक है, हम मान के चलते कि उस वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया. मैं तो कुछ और समझ नहीं सकता, मेरे तो मेरा दिमाग तो यही कह रहा है ना. तो मैं सीधा चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि MGH ये पूरा का पूरा अगर हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या बनाएगा, MC डेल्टा T. अब मास तो गिवन नहीं है, वॉटरफॉल में कितना पानी मेरे को क्या पता, मुझे क्या दिया हुआ, रेट ऑफ फॉल ऑफ मास. तो मैं दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे एम बाई टी दिया हुआ 2 kg per second. दोनों साइड को टी से डिवाइड कर सकता हूं ना मैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो एम बाई टी कैंसिल हो गया. जी कितना है, 10 ले लेते हैं. हाइट कितनी है, 50 ले लेते. सी 1 आ गया, है ना. अच्छा ये दूसरा गलत हो गया, अभी अभी ऐसे तो आंसर लेके चेंज इन टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा. अब मैं देखो बेटा, मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ, आपने मेरा दिमाग चला रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ.
कहीं ना कहीं इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो सर बहुत सारा डिफरेंस आ गया, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है एक, अब जरा सोचे जरा स्टैंडर्ड यूनिट दोनों तरफ देखिए जरा मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, है ना? तो अगर स्पेसिफिक हीट को फिर मुझे कैलोरीज पर ग्राम नहीं पर केजी वाले फैक्टर में लेके आना पड़ेगा, तो मैं सी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वन लगा देते हैं। जनरली यही होगा, हर आदमी बोलेगा इसका आंसर ऑप्शन में 100% दिया होगा 500 डिग्री सेल्सियस, एक ऑप्शन होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आएगा किसी बेकार से पेपर में, है ना, साढ़े से जो लोकल यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनमें आएगा ही, और उसमें ऑप्शन होगी 500 डिग्री सेल्सियस और हम मार के आएंगे टिक, ठीक है? अबे बेवकूफो सर दिमाग चलाओ, ये तो कॉमन सेंस, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर 50 मीटर्स का वॉटरफॉल है, गुड, इट्स अ गुड ब्यूटीफुल थिंग टू सी, है ना, 500 डिग्री समझ रहे हो, नीचे तक आते आते ना पानी उबलता पानी नीचे, तुम वॉटरफॉल के नीचे नहाओगे नहीं फिर कभी, पहली बात तो पानी नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो वॉटरफॉल होगा ऐसे आया खत्म, है ना? तो वह तो कुछ गलत हो गया, तो गलत क्या है सर, ये तो ये तो, व्हाट इज दिस सर? लो व्हाट इज दिस सर, वन कैलोरी इज 4.2 जूल्स। तो कहते सर हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी भी देखो आप कहोगे सर अच्छा फिर भी 100 से ऊपर है, डिवाइड करो 500 को 4.2 से तब भी 100 से ऊपर आंसर है, तो क्या सर ये अभी भी गड़बड़ है बेटा, ये कैलोरीज को कन्वर्ट तो कर दिया तुमने एसआई सिस्टम में, ग्राम को भी तो करो, तो पर ग्राम मतलब इन 2000 कर दूंगा, तो ये हो गया 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, वो पर डिग्री लिखो पर केल्विन लिखो इट डजंट मैटर, ठीक है? डेल्टा टी आ गया, अब कर सकते हैं शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/42। अब हम है पढ़े लिखे, हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इनटू 10 करते हैं सर, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, 50/42 आ गया, है ना, इनटू 1/10 भी बच रहा है, 50/42 तो सॉल्व करना है, वेरी सिंपल सर, है ना, आ गया ना, अब समझ आया इसका आंसर क्या आएगा, 0.12 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वो 0.12 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है, ठीक है? तो वेरी प्रिसाइज 0.1194 50 मीटर के केस में सॉल्व करोगे तो, ठीक है, जो आंसर है क्वेश्चन का, पर मैंने तो ऐसे ही जनरल आंसर निकाल दिया, 50/40 करो आंसर, देखो ना 5/4 इज 1.2, खत्म हो गया 1.25 लिख देता हूँ मैं राउंड ऑफ करके, और वही आया आंसर 1.2 के आसपास वाला, 0.12 वाला जो भी आंसर होगा आसपास का वो टिक मारो आंसर आ गया। हर बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, दिमाग चलाना होता है, कॉमन सेंस से काम करना होता है, ठीक है? तुम ये पूरी कैलकुलेशन करके कोई तीर नहीं मारोगे, तुमने एंड में टिक ही मारना है ABCD, ठीक है? अगर कॉम्पिटेटिव दे रहे हो तो बोर्ड्स कर रहे हो तो तब भी वो मैडम इतनी कैलकुलेशन नहीं देखती, बोर्ड्स में भी ध्यान रखना अनसर्टेनिटी को, पॉइंट मतलब तकरीबन 10% अनसर्टेनिटी दे एक्सेप्ट, तो ये आंसर करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ठीक है? लेट मी मूव अहेड, आगे और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाले। सर रेट यूजलेस था, सॉरी रेट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन था, हाँ वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी डराने के लिए, हम डर जाएंगे ओ भाई साहब ये क्या दे दिया, है ना, तो कुछ नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बेकार एकदम वाहियात। अच्छा इस ऐसा नहीं है, ये मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया, जिस किताब से क्वेश्चन नोट किया है उन्होंने पूरा सॉल्व किया है, पहले वी निकाला √2gh से, फिर वो फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली गई है ½mv² से, फिर वो m नहीं दिया हुआ तो m पर सेकंड था तो उन्होंने निकाला जूल्स पर सेकंड, और फिर उस जूल्स पर सेकंड को यूज करके आंसर, अबे पागल टेक्स्ट वन स्टेप लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आंसर आ गया, ठीक है? जस्ट वन स्टेप एंड द आंसर इज हियर विद अस, बहुत बढ़िया खूब आगे बढ़ते हैं बेटा, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, This is quite simple, ये नहीं कर रहा मैं।
बढ़िया क्वेश्चन देते लिखिए मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द फाइनल कॉम्पोजिशन of a mixture of 0.5 kg ice at 0 degrees Celsius and 2 kg water at 30 degrees Celsius given वाला factor लिख ही नहीं रहा हूं आपको solution करना है final composition निकालनी है we'll give you a minute think about it हाँ जी बेटा कुछ कर चल रहा दिमाग सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली 30 डिग्री से 0 डिग्री तक अवेलेबल एनर्जी निकाल दो फटाफट कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं सोचने होते ऐसे क्वेश्चन को हिट करने से पहले कुछ सोचना नहीं है बेसिक फैक्टर है अब आपको पता है सी ऑफ वाटर इज हाउ मच 1 calorie per gram पर डिग्री सेल्सियस सो इट्स गुड कि आपको डिग्री सेल्सियस तो दिया हुआ है लेकिन ये केजी दिया हुआ है तो बेटर आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए इसको पहले सो 2000 ग्राम्स 1 into एक्सट्रीम क्या करेंगे 30 में से 0 रह जाएगा ठीक है तो 30 से 0 तक लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 6 1 2 3 4 60000 कैलोरीज अवेलेबल है रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री पे सीधा कन्वर्ट होगा इनटू 80 तो कितना हो जाएगा 40,000 कैलोरीज डिमांड है तो क्या हो गया दोस्तों मजा आ गया अवेलेबल ज्यादा है अवेलेबल रिक्वायरमेंट से ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब जीरो तक नहीं जाएगा वो टी तक जाएगा है ना तो क्या करेंगे हम 2000 इंटू 1 इंटू 30 से टी तक चला गया और रिक्वायरमेंट कितनी है 40,000 सबसे पहले वो पूरा उतारेगा प्लस फिर वो पूरा 500 ग्राम ऑफ वाटर टी टेम्परेचर तक जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा ये 60,000 माइनस 2000 टी इज इक्वल टू 40,000 प्लस 500 टी ले जाओ क्या हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 2500 टी तो 0000 टी इज इक्वल टू 8 degrees Celsius 8 डिग्री पे आके सब कुछ रुक जाएगा वी हैव 2.5 केजी ऑफ वाटर एट 8 डिग्री सेल्सियस एट द एंड Thank you.
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, समझ आ गया ना बेटा कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लो एक क्वेश्चन अलग टाइप का भी कराता हूँ, थोड़ा सा कई जगहों पे हीट कैपेसिटी का काम कैसे आता है वो भी सिखाता हूँ। So let's deal with this question too. So there's another problem comes up. A calorie meter of specific heat joules per gram per degree Celsius weighing 40 grams contains 50 gram of water. थोड़ी language problem है ये question में, problem मतलब twist है, word problem ज्यादा है, concept तो है ही है लेकिन word problem भी है। Water mixed with 50 gram of ice, steam at 100 degrees Celsius is passed into the mixture until temperature rises to 20 degrees Celsius. Find mass of steam condensed. Latent heat of fusion is given as 80 calories per gram. वो सब सेम कॉन्सेप्ट दिए हुए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम एंड जे इज इक्वल टू 4.2 जूल्स पर कैलोरी। ये मैं कोई पता क्या क्यों दिया है बट ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना है, क्वेश्चन पढ़िए जरा ढंग से और फिर हम लोग इसके ऊपर दिमाग चलाते हैं और फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। राइट, आई विल टॉक अबाउट दिस नाउ। बस देखो जरा क्या क्या है, ढंग से देखिएगा आप इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सिंस वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स है
तो 0.42 जूल्स कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, 0.1 कैलोरी। करेक्ट है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरी मीटर जो भी है, वो मीटर जिस भी मटेरियल से बना हुआ, वो कितना है, 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया। अब वो क्या कहता है, कहता है एक कैलोरी मीटर मतलब एक ऐसा ब्रास का एक मीटर, एक ऐसा कंटेनर होता है, उसके अंदर पानी भी है, आइस भी है, और एक पाइप होती है जिससे स्टीम पास करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पानी आइस, पहले आइस कन्वर्ट होगी पानी में, वो टोटल पानी एंड अलोंग विद द कैलोरी मीटर जो कंटेनर ब्रास का, ये सारी चीजें 20 डिग्री तक सेल्सियस तक जा रही है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है पहले हम वो निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे रिक्वायरमेंट पता लग गई तो उतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे वो रिक्वायर्ड एनर्जी कौन देगा, कौन देगा वो रिक्वायर्ड एनर्जी, स्टीम देगी। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कैलोरी मीटर कैसा दिखता है, थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा ना तो और बढ़िया समझ आ जाएगा। एक ऐसा कंटेनर है, ये कंटेनर ऊपर से एकदम पैक्ड होता है, एकदम स्टफ्ड होगा ऐसा। ठीक है, और क्या होता है, इसमें एक पाइपलाइन क्रॉस हो रही होती है, एक ओपनिंग होती है, पैसेज होता है। ठीक है, ऐसे पैसेज होता है, तो यहां से स्टीम जाती है। अब इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, आइस है, ठीक है, और ये कंटेनर खुद भी है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस पहले तो पानी में कन्वर्ट होगा, वो पूरा पानी और ये मीटर सब कुछ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो पूरी एनर्जी कौन दे रहा है, जीरो डिग्री से 20 तक जाने के लिए वो स्टीम देगी, तो स्टीम भी तो कन्वर्ट होगी पानी के अंदर, इसका मतलब तो हम लोग वही निकालने वाले, कितनी मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुई है वही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी देखते हैं कितनी है। देखो जरा, 40 ग्राम ऑफ कंटेनर है, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर डेल्टा टी, प्लस मास ऑफ वॉटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर डेल्टा टी, प्लस और क्या हुआ, एम एल, ये भी हो रहा है, मास ऑफ आइस, और वो कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, प्लस ये जो भी आइस है ये फिर कन्वर्ट होगा वॉटर में, और वो उसके अंदर भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा। करेक्ट है, ये पूरा सिस्टम बन गया। अब मास ऑफ कंटेनर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 40 ग्राम, सीसी मैंने ऑलरेडी निकाल दिया कितना है वो, 0.1, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 20 डिग्री तक गया, जीरो से 20 तक गया, प्लस वाटर कितना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 20, आइस कितनी है 50 ग्राम ऑफ आइस है, वो कन्वर्ट हुई 80 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर वही 50 ग्राम ऑफ आइस है वो कन्वर्ट होगा 0 टू 20, फिर से ये भी 20 तक जाएगा, आ गया, मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना हो जाएगा 280 प्लस 1000 प्लस 4000 प्लस 1000 तो 6080, ये मेरा टोटल उधार है। ठीक है, अब ये एनर्जी से मैं एक काम करता हूं, मैं अगले पेज पे जाने से बेटर है कि मैं यहीं पे समझा देता हूं, इतनी सी जगह में हो जाएगा सॉल्व, दूसरे कलर से कर देता हूं। 6080 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540, तो इसका मतलब मास ऑफ स्टीम कितनी कन्वर्ट हुई है, वो आएगा 6080 अपॉन 540। कन्वर्ट करना कितना आएगा 6080 अच्छा हाँ, तो कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब जो भी आएगा यार। अच्छा एक चीज में मिस हो गई, जो भी मास ऑफ स्टीम है वो मैंने यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, ये जो मेल्ट हुआ है, जितनी भी स्टीम मेल्ट हुई कंडेंस होगी, वो बेसिकली वो पानी में भी तो कन्वर्ट होगी,
तो वो तो 100 डिग्री पानी में से 20 डिग्री तक जाना है उसको, तो इनटू 80 भी आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। इसको कॉमनली सॉल्व करना है, तो 80 और 540 को सॉल्व करो, 6080 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना आ गया, मास ऑफ स्टीम इनटू 620, सही है। हाँ अब सॉल्व करिए, अब आ गया मास ऑफ स्टीम आएगा 10 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 9.8 ग्राम्स। ठीक है, आई मिस दैट, प्लीज ध्यान रखना मैंने क्या मिस कर दिया था गलती से। मैंने क्या किया, मैंने स्टीम को कंडेंस तो कर दिया, लेकिन वो स्टीम से जो पानी बना वो पानी भी तो 20 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होगा, तो इसका मतलब उस पानी के अंदर चेंज कहां से आया, 100 डिग्री वाटर से 20 डिग्री वाटर तक वो कन्वर्ट होगा। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, शुक्र है। प्लीज नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ लेड बुलेट मेल्ट्स व्हेन स्टॉप्ड बाय अ वॉल। When stopped by a wall, assuming that 25% of energy is absorbed and distributed in the wall, find the velocity of bullet, find the velocity of bullet if its temperature first rises by 300 Kelvin and then it melts. Specific heat of lead is 0.03 calories per gram per degree Celsius, and latent heat of lead is 6000 calories per kg. क्वेश्चन जरा ढंग से सोचिए, ढंग से पढ़िए और फिर दिमाग चलाइए। क्वेश्चन कहता है एक लेड बुलेट मैंने फायर की और वो बुलेट वॉल ने रोकी, ठीक है। वो कहता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी या जितना भी एनर्जी बुलेट कैरी कर रहा था उसका 25% एनर्जी वॉल ने ले लिया, और जो 70% एनर्जी उसके अंदर 75% एनर्जी जो उसके पास रह गई वो उसमें, उस केस में क्या हुआ, थोड़ी सी टेम्परेचर पहले 300 केल्विन बढ़ता है फिर वो पूरा मेल्ट हो जाता है। टेम्परेचर राइज होता है 300 केल्विन, फर्स्ट राइजेस बाय, सीधा टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, राइजेस बाय 300 केल्विन एंड देन इट मेल्ट्स। अब दिमाग चलाएंगे,
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा सोचेंगे. 75% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी में दो काम हुए हैं. क्या क्या हुआ? एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया और फिर उसको मेल्ट भी कर दिया. वो उसकी खुद की 75% ऑफ द एनर्जी, 25 तो बॉल को चलेगी तो किसी काम की नहीं है, है ना. बुलेट दीवार पे हिट की, दीवार को उसने अपनी एनर्जी डिसिपेट कर दी थोड़ी सी, लेकिन बाकी सारी हीट खुद ले ली. तो वो खुद कितनी ली? 75% ऑफ टोटल एनर्जी. तो 75% ऑफ टोटल एनर्जी मतलब ऐसे लिखते 0.75 into half mv square is equal to बाकी की. ये जो एनर्जी है इसमें क्या हुआ है? एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा, मास ऑफ बुलेट into specific heat of lead into change in temperature plus mass into latent heat of lead. Correct बात है. अब mass तो हर जगह, mass तो दिया ही नहीं है bullet का, तो बढ़िया है. अगर ऐसी चीजें नहीं given होती इसका मतलब mass cancel होने वाला है. ये देखो correct है जी. अब क्या सीखे हम? ये 75/100 को मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4. तो ये क्या आ गया? 3v² / 8 इज इक्वल टू, लेड का क्या दिया हुआ है? 0.03. लेकिन बच्चा सब कुछ जूल्स में चाहिए मेरे को, तभी ऐसा यूनिट में आंसर आएगा. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो 4.2 और ग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइज इन टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है 300 केल्विन, वो भी कर दिया. अब लेटेंट हीट भी देखो क्या दिया हुआ है, 6000 कैलोरीज को कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 4.2. और पर केजी दिया हुआ था तो केजी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस अब एसआई सिस्टम में ही है वो. ये सॉल्व करना है बस मुझे, ये सॉल्व हो गया तो हो गया का. तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई काम है, 3 कैंसिल कर सकता हूं मैं सीधा इसमें. ये 4.2 और ये 4.2 कॉमन निकल सकता है, इसमें बनेगा 1.4. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × तो ये इसको काट दो, 3 बच गया, इसके 2 0 कैंसिल हो गए. अब क्या हो जाएगा, बस कैलकुलेशन कर लो यार, क्या है बेकार से कैलकुलेशन ही रह गई है. इसका आंसर कितना आएगा? 8400. और इसको सॉल्व करो, चौदह हो गया ये, 1260 ठीक, दैट्स राइट, 9 हाँ ठीक है, 1260 बस को सॉल्व करना. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × उसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0, 6, 4, 2, 6, 9. अब यार कैलकुलेशन ज्यादा है, 0, 8, 6 of 48, 8, 4 gone up, 48 and 4, 52, 2, 5 gone up, 8 and then 72 and 5, 77, 7, 7, 2, 8, 0 पर क्या है, उसको सॉल्व करो आंसर आएगा. कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ठीक सही लग रहा है, बाकी कुछ एरर आ गया तो बेटा कैलकुलेशन एरर ही होगा, बट इसके अलावा कुछ और आई डोंट थिंक सो कुछ एरर आना चाहिए. आई थिंक दैट्स करेक्ट. ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस एंड वी गॉट द आंसर. जो भी आंसर आएगा हम उसको लिख देंगे एंड दैट्स इट. ठीक है, गॉट दिस. So as told, अभी आप लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगी इसके ऊपर, प्रीवियस लेक्चर के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड, एंड यू गाइज हैव टू सॉल्व इट.